नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर। गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि आईपी कैमरे को लेके जो मेरी एक सीरीज चल रही है, जिसके ऑलरेडी 7 पार्ट हो चुके हैं, एवरी सैटरडे 7 PM मेरी वीडियो अपलोड होती है रिगार्डिंग आईपी कैमरा इंस्टॉलेशन को लेके। तो ये वीडियो उसी का 8वां पार्ट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आफ्टर इंस्टॉलेशन आप लोग सब फेस करते होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि मैक्सिमम जगह पे ये दिक्कत आती है, हो सकता है कि आप लोगों ने इंस्टॉलेशन नहीं की है, आपके पास एक कंप्लेंट आई है कि हाँ भाई मेरे कैमरे चलते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, या कैमरे लैगिंग करते हैं, रुक रुक के चलते हैं, या फिर समटाइम ऐसा होता है कि हम कैमरे को बड़ा करें, वो बड़ा होने के बाद ब्लैक ही रहता है काफ़ी देर तक, उसके बाद पिक्चर आती है या फिर पिक्चर शायद नहीं आती कई बारी। तो ये सब क्या क्या इश्यू होते हैं, हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है गाइस। इसमें मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्वेश्चंस ज़्यादातर मेरी वीडियो के अंदर अवेलेबल होता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसने पूरी वीडियो नहीं वॉच की तभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और उस पूरी वीडियो ना देखने की वजह से जो मिस कम्युनिकेशन होता है उसमें कि वो समझ ही नहीं पाता है कि हाँ भाई ये इश्यू कैसे सोल्व होगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो तब देखें जब आप फ्री हो, क्योंकि काफ़ी काम की वीडियो होती है, लेंथी वीडियो होती है पर साथ साथ काम की वीडियो होती है। तो टाइम देख के वीडियो को वॉच ना करें, जब आप फ्री हो तब वीडियो को वॉच करें, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सोल्व होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन, चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे बिगनर्स के लिए भी वीडियो चल रही हैं कि कैसे आप नया स्टार्टअप कर सकते हैं, अगर आपने नया नया काम स्टार्ट किया है, कैसे कोटेशन सेंड करते हैं, कैसे आप शटर सायरन को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल करना चाहिए, कौन कौन से माइनस पॉइंट होते हैं, अगर कैमरा नहीं चल रहा आपको कैसे चेक करना चाहिए, सारी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का आइकन नीचे है, वहां पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूं तो आप तक एक नोटिफिकेशन आ जाए कि गुलशन ने ये वाली वीडियो अपलोड की है। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना बिल्कुल ना भूलें, जबकि लाइक ही होते हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पहले मैं आपको एक ओरली बताता हूँ कि ये इशू किस किस वजह से आ सकता है, बाद में हम बात करेंगे, मैं आपको लेके चलूँगा अपने बोर्ड पे, जिसमें आपको थोड़ा सा मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और किस तरह से चेक करनी चाहिए वो मैं आपको इसके आगे बताऊँगा। सबसे पहला इशू ये हो सकता है कि आपका जो NVR है वो कम MBPS का हो, और आपके जो कैमरे हैं उनकी जो MBPS की जो रेट है वो ज़्यादा हो गई हो। मतलब सपोज़ कीजिए आपने जो NVR लिया है वो 40 MBPS है और आपके 8 कैमरे लगे हुए हैं, एक कैमरा आपका 5 MP का है और पर कैमरा आपका 10 MBPS ले रहा है, या फिर आपके 5 कैमरे हैं 6 कैमरे हैं और वो 40 MBPS से ऊपर जा रहे हैं, तो उसको आपको कैसे चेक करना है मैं आपको ये भी इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सेकेंड, आपने क्या चेक करना है, आपने एनकोड की सेटिंग चेक करनी है। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है एनकोड सेटिंग, उसमें आपको क्या क्या चेक करना है, उसमें आपको चेक करना है रेजोल्यूशन, उसके बिट रेट, उसका कंप्रेशर कौन सा है, H.264 है या H.265 है, तो उसको लेके भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। थर्ड, आपने लैन कनेक्टर को चेक करना है कि जो आपने कनेक्टिंग की है, जो क्लंपिंग टूल से आपने पंचिंग की है वो सही से हुई है कि नहीं हुई, समटाइम वो वायर भी हल्की सी कनेक्ट नहीं होती जिस वजह से कैमरा आता और जाता है, तो कनेक्टर का इश्यू भी हो सकता है। गाइस, उससे अगला पॉइंट, आपने POE स्विच को चेक करना है। POE स्विच आपका कितने MBPS का है उस पर मैटर करता है, उसमें गीगा स्विच के पॉइंट से आपने आगे जो ऐसे सपोज कीजिए किसी लोगों ने 2 POE स्विच लगाए हुए हैं, तो POE से POE जो कनेक्ट किया है वो गीगा पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है या नॉर्मल पॉइंट से कनेक्ट किया है, उसमें जो गीगा पॉइंट है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। समटाइम क्या होता है किसी किसी POE में सिर्फ नॉर्मल पॉइंट ही होते हैं और उसे जब आउट निकाल के दूसरे POE में देते हैं तो वो काफ़ी सारे MBPS इतने वो नहीं उठा पाता, इतने बैंडविड्थ वो नहीं हैंडल कर पाता और कैमरों में लैगिंग या कैमरे बफरिंग या फिर कैमरे आने जाने ये सब दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, POE में एक बटन भी होता है नॉर्मल और एक्सटेंड का, उस बटन की क्या अहमियत है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको लेके चलूँगा अपने बोर्ड पे, जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूँगा कि अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो आपने कैसे कैसे किस किस स्टेप को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो लेके चलूँगा आपको अपने बोर्ड पे और वहाँ पे आपको बाकी चीज़ें बताने वाला हूँ। दोस्तों,
सबसे पहली चीज जो आपने चेक करनी है वो क्या करनी है, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपने चेक करना है आपका NVR, NVR कितने बैंडविड्थ का है, NVR की बैंडविड्थ आपने कैसे चेक करनी है, आपने सिंपली अपना जो NVR है उसका मॉडल नंबर क्रोम में डालना है, क्रोम में डालते ही वो कितने बैंडविड्थ का है वो चीज आ जाएगी। एग्जांपल के मैं आपको बताता हूं, आपका जो NVR है वो है 40 Mbps, 40 Mbps, इसका मतलब ये होता है। अब आपके कैसे कैलकुलेशन करनी है, अब आप सपोज कीजिए आपका जो NVR है वो है 8 चैनल का, 8 चैनल का आपका NVR है जो कि 40 Mbps की मैक्सिमम बैंडविड्थ सकता है। अब आपने कैमरे कौन से लगाए, अभी अगर आपका NVR जो है वो H.265 कंप्रेशर वाला है तो कम Mbps कंज्यूम करेगा, अगर आपका ये H.264 है तो ये ज़्यादा Mbps कंज्यूम करेगा। सपोज कीजिए अगर हम बात करते हैं कैमरे की, जो IP कैमरे होते हैं हमारे, IP कैमरा अगर आपने 2 MP लिया है और आपका जो कैमरा है H.265 है तो ये 2 से 3 Mbps कंज्यूम करता है, मतलब बैंडविड्थ जो होती है वो 2 से 3 Mbps होती है, और अगर ये H.264 है तो ये 5 Mbps तक ले लेता है। मतलब अगर आपका IP कैमरा 2 MP का है और वो H.265 कंप्रेशर में चल रहा है तो वो 2 Mbps से लेकर 3 Mbps तक कंज्यूम करता है, और अगर वो H.264 में है तो वो 5 Mbps सपोर्ट कर लेता है। यहीं अगर हम बात करें अगर आपका IP कैमरा जो है 4 MP 4 MP वाला कैमरा है और आपने लगाया है H.265 तो ये तकरीबन 5 Mbps लेता है, और अगर आप बात करें H.264 में तो 8 से 10 Mbps ये कंज्यूम करता है। अब इसमें आपने क्या करना है, क्या चीज चेक करनी है, सपोज कीजिए आपने लगाया यहाँ पे 8 कैमराज, आपके 8 कैमरे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपने 8 कैमरों को NVR से कनेक्ट किया, एक कैमरा आपका है 4 MP का जो कि H.264 पे चल रहा है, तो आपने कैलकुलेशन करनी है कि 8 कैमरे आपके हैं, 8 कैमरे में से एक कैमरा लेता है 10 Mbps तो आपको 80 Mbps मतलब 80 Mbps आपको जो बैंडविड्थ है वो चाहिए होगी, लेकिन जो आपका NVR है वो 40 Mbps का है, तो इसका मतलब कि ये NVR इसके लिए सफिशिएंट नहीं है। यहीं अगर हम बात करें कि आपने लगवाए 8 कैमरे, आपने लगाए 8 कैमरे, एक कैमरा आपका लेता है 2 MP कैमरा लगाया आपने, 2 MP कैमरे के हिसाब से आपने लगाया H.265 कंप्रेशर के अंदर, एक कैमरा आपका लेता है 2 से 3 Mbps तो आप अगर 3 Mbps भी जोड़ते हो 8 कैमरे के हिसाब से तो आपके होते हैं 24 Mbps टोटल। आपका जो NVR है वो है 40 Mbps का, तो मतलब कि कोई भी इशू नहीं आने वाला, ये मैक्सिमम कंज्यूम कर रहा है 24 Mbps और ये मैक्सिमम जो NVR है वो है 40 Mbps का, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट है। मतलब आपको ये चीज चेक करनी है कि आपका NVR कितने मेगापिक्सल पर सेकंड बैंडविड्थ ले सकता है, तो बेसिकली ये जो NVR आते हैं वो आते हैं 40 Mbps, 80 Mbps, 160 Mbps, 320 Mbps, तो आपने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग NVR चूज करना है, आपने देखना है कि कितने Mbps की रिक्वायरमेंट आपको है, आपका कैमरा H.265 है कि नहीं है, आपका जो DVR NVR ले रहे हैं वो H.265 है कि नहीं है, अगर दोनों 265 हैं तो काफ़ी कम बैंडविड्थ कंज्यूम होती है और काफ़ी अच्छे से आपका NVR रन करता है, तो ये चीज़ें आपने स्टार्टअप में यूज़ करने से पहले देखनी है। जब भी आपको बाय करना है तो आपको ये चीज़ें R&D करके उसके बाद ही लेनी है ताकि कस्टमर के साइट पे लगने के बाद कोई इशू नहीं आए, लेकिन वहाँ पे आप लगा चुके हैं तो ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपको ये चेक करके अगर इशू NVR का है तो आपको कस्टमर को बताना पड़ेगा कि भैया आपका जो इशू है वो NVR के अंदर है और आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा Mbps कंज्यूम आपको चाहिए और आपने NVR का गलत मॉडल ले लिया है तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल सा कि कितने कितने हमें Mbps के कैमरे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कस्टमर को गाइड करना है कि उसे क्या लेना चाहिए। 200 सेकंड आपने चेक करना है आपका लैन कनेक्टर, सपोज आपका NVR बैंडविड्थ ठीक उठा रहा है,
आपका कैमरा भी ठीक है, आपने सफिशिएंट चेक कर लिया, उसके बाद आपने चेक करने हैं लैन कनेक्टर। समटाइम लैन कनेक्टर बनाने वाले सही से लैन वायर अटैच नहीं करते, वो आगे पंच सही से नहीं होती, वो हटती है, लगती है, समटाइम कैमरा चल जाता है, समटाइम कैमरा नहीं चलता। तो आपने लैन वायर को भी चेक करना है अच्छे से। अगर आपको लैन कनेक्टर बनाने नहीं आते तो किसी प्रोफेशनल बंदे से लैन कनेक्टर बनाना सीखिए पहले, क्योंकि लैन कनेक्टर एक ऐसा मेन काम है जो आपको आना ही चाहिए, बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से आपकी सर्विस वाले इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे हम नॉर्मल सीसीटीवी कैमरे में कह सकते हैं कि बीएनसी कनेक्टर आपने अगर लोकल लगा लिए, अगर वो फ्री है, बेसिकली वो अगर लूज़ है, तो आपकी कंप्लेंट्स आती रहेगी। ऐसे ही अगर आईपी कैमरे में आपने कनेक्टर सही नहीं बनाए तो आपकी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू बनी रहेगी। जब तक कनेक्टर सही नहीं बनेंगे, प्रॉपरली पंच नहीं होंगे, तब तक वो दिक्कत रहेगी रहेगी। अब थर्ड स्टेप आपने क्या चेक करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। गाइस, हमारे जो कैमरे होते हैं, एनगर होता है, इन सबकी एन कोड के अंदर सेटिंग होती है। एन कोड का ऑप्शन कहाँ पे आता है? जब भी आप मेन्यू खोलते हैं वहाँ पे कैमरे का ऑप्शन दिखेगा, आपको कैमरे के अंदर एन कोड की सेटिंग दिखती है। आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ एन कोड सेटिंग कौन सी होती है और आपको बताता हूँ। सो गाइस, आपको पिक्चर दिख रही होगी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि H.265 कंप्रेशर लिखा हुआ है। अगर ये कई एनवीआर पे ऐसा होता है, बाय डिफॉल्ट वो H.264 में सेटअप होता है, तो आपको उसको H.265 कंप्रेसर में सेट करना है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम आने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। क्योंकि वो कंप्रेशर अगर आप H.265 कर देंगे तो वो जो बैंडविथ है वो थोड़ी सी कम कंज्यूम करेगा और आपकी जो प्रॉब्लम है, जो लैकिंग वाली प्रॉब्लम है, पिक्चर आने जाने वाली प्रॉब्लम है, वो खत्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपने एनवीआर में चेक करना है कि आपकी एन कोड के अंदर आपकी जो कंप्रेशर है वो H.265 होना चाहिए या 265 प्लस होना चाहिए। इसके बाद आपने चेक करना है बिट रेट। गाइस, अगर आपका जो कैमरा है वो 2 MP है तो आपने जो बिट रेट है वो 2048 पे सेट करनी है, और अगर आपका जो आईपी कैमरा है वो 4 MP है तो आपने उसको 4096 पे सेट करना है। वैसे नॉर्मली एनवीआर ऑटोमेटिकली उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन समटाइम सेटिंग का इशू है तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो बिट रेट है वो कैमरे के अकॉर्डिंग। ऊपर आपको देखिएगा चैनल नंबर, नंबर 1, नंबर 2, तो आपको पता होना चाहिए मेरा कौन सा कैमरा कितने एमपी का है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग बिट रेट को सेट करना है। अगर आपका 2 MP है तो 2048, और अगर आपका 4 MP कैमरा है तो 4096 MBPS, आपको ये चीज़ बिट रेट में सेट करनी है। गाइस, 4 ऑप्शंस आपने क्या चेक करना है, आपने चेक करना है आपका POE स्विच। अब POE स्विच पे आपने क्या चेक करना है, सबसे पहले तो POE स्विच के अंदर भी बैंडविड्थ लिखे होते हैं, कितने बैंडविड्थ का स्विच है वो, 40 MBPS, 80 MBPS, तो आपने अपने कैमरे के अकॉर्डिंग उसको भी चूज करना है कितने MBPS का आप बैंडविड्थ ले रहे हैं, कि आपका POE स्विच जो है वो कितने MBPS कंज्यूम कर सकता है, उसकी लिमिट कितनी है और आपके कैमरे की लिमिट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने कनेक्ट करना है। दूसरा आपने चेक करना है, अगर आपका एक POE से दूसरे POE में कनेक्शन हो रहा है तो दोनों POE के अंदर दो दो गीगा पॉइंट वाले स्विच होने चाहिए, मतलब गीगा से वायर निकल के इधर गीगा में कनेक्ट होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, वो नॉर्मल पॉइंट से निकाल के ही दूसरे POE में स्विच में इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर एक POE से आप दूसरा POE जोड़ रहे हैं तो वो गीगा से निकल के गीगा में जाना चाहिए, तो कोई भी इशू नहीं आता। बाकी सारे कैमरे आप नॉर्मल में इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पर 10 MBPS की स्पीड पर पॉइंट देता है, लेकिन यहाँ से जो वहाँ पे जा रहा है, सपोज कीजिए स्विच आपका जो है वो 4 पोर्ट का है, पर MBPS आपका 10-10 लिखा हुआ है, आपने लगाए हैं आईपी कैमरे 4 MBPS के H.264 वाले, तो 10 MBPS आपका एक कैमरा कंज्यूम करता है, 40 MBPS के आपने 4 पोर्ट यहाँ लगा दिए। अब यहाँ से आपने नॉर्मल पॉइंट ही यहाँ से वहाँ तक दे दिया, तो ये तो 10 MBPS वाला पॉइंट है, तो जो आप गीगा स्विच की बात करते हैं, गीगा पॉइंट की बात करते हैं, वो लेता है 100 MBPS, तो 100 MBPS को वो ट्रैवल कर सकता है। सो आपने सिंपल सा क्या करना है कि आपने जो गीगा वाला पॉइंट है वो गीगा से गीगा में डालना है, जिससे कि आपका वो ट्रैवल जो है 40 MBPS ट्रैवल जो कर सकता है वो इजिली कर पाएगा। तो आपने ये चेक करना है कि जो आपका POE स्विच है वो गीगा पॉइंट वाला है कि नहीं है, उसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा गीगा के है कि नहीं है, मतलब 4 पॉइंट तो आपके नॉर्मल पॉइंट है ही है, उसमें लिखा होगा 10 MBPS, लेकिन 2 पॉइंट ऐसे होंगे जिसमें लिखा होगा 100 MBPS, उसे हम कहते हैं गीगा पॉइंट। अगर आपके कैमरे और ज़्यादा हैं तो आप ऑल गीगा स्विच भी ले सकते हैं, उसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ, जो फर्स्ट हमारा आया था आईपी कैमरे को लेके, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं इसके बारे में। ये चीज़ चेक करने के बाद कि आपने कितने MBPS के कैमरे हैं और कितने MBPS आपने लगाए हैं, सेकंड आपने चेक कर लिया गीगा स्विच कि गीगा के पॉइंट है कि नहीं है, तो NVR में भी कोशिश कीजिए जो NVR तक पहुंचेगा गीगा स्विच आपका, तो वो भी आपका गीगा स्विच से निकाल के आप डायरेक्ट लगा देंगे तो उसमें इशू नहीं आएगा।
थर्ड आपने चेक क्या करना है, आपने चेक करना है हर पीओई स्विच के अंदर, ज्यादातर पीओई स्विच के अंदर एक बटन होता है, वो बटन पे लिखा होता है नॉर्मल और एक्सटेंड। तो गाइस आपको उसको नॉर्मल रखना है अगर आपके कैमरे आपके पीओई स्विच से लेकर 50 मीटर की दूरी से अंदर अंदर है। मतलब अगर आपके कैमरे बहुत दूर नहीं है, नॉर्मली वो कई बार एक्सटेंड पे होता है, तो उस स्विच को चेक करके आपका जौन सा भी कैमरा आसपास है 10, 50, 20, 30 मीटर, 50 मीटर की दूरी में है, तो आप उस स्विच को नॉर्मल पॉइंट पे रखें। नॉर्मल कई जगह ऑफ होता है, ऑफ ऑन का ऑप्शन रहता है कई जगह, मतलब आपको ऑप्शन देखना है वाला। कई स्विच में नॉर्मल और एक्सटेंड लिखा होता है, कईयों में ऑफ और ऑन लिखा होता है, तो आपको चेक करना है कि अगर आपका 50 मीटर से अंदर अंदर है तो आपको उसको ऑफ ही रखना है, नॉर्मल पे ही क्लिक रखना है। अगर आप उसको एक्सटेंड कर देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है जो आपका बैंडविड्थ है, और आपकी जो पावर है उसे कम कर देता है। तो अगर आपके ज़्यादातर कैमरे 50 मीटर के अंदर अंदर है तो उसको नॉर्मल करना है, आपने एक्सटेंड पे नहीं करना। हाँ, अगर आपके कैमरे 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर दूरी पे हैं तो आप उसे एक्सटेंड पे क्लिक कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके कैमरे बहुत पास में है तो कोशिश कीजिए कि हाँ भी हर कैमरे के आगे आपको नॉर्मल ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, तो उसको आपको उस कैमरे के अकॉर्डिंग आप सेटअप कर सकते हैं। गाइस अगर आपने ये सारे पॉइंट चेक कर लिए हैं फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि आपके NVR में इश्यू हो, तो आप एक बारी कोई स्टैंड बाय NVR लेके जाके NVR को एक बार चेंज करके चेक कर सकते हैं कि अगर NVR चेंज करने के बाद सारी सेटिंग आपने चेक कर ली है, भैया सेटिंग का काम तो खत्म हो गया, ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो आपने क्लियर कर लिए हैं, अब भी सोल्व नहीं हुआ, तो एक्स्ट्रा NVR और एक एक्स्ट्रा पीओई स्विच अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जो भी दिक्कत आ रही है वहां पे आपने NVR निकाला, अपना NVR लगाया, IP ऐड किए, और देखना है कि NVR चेंज करने के बाद में प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई तो वापस वही NVR लगा दिया, फिर देन सेकंड वाला ऑप्शन जो आपका पीओई स्विच है उसको चेंज किया, उसको निकाल के नया पीओई स्विच लगाया और चेक कर लिया कि हाँ भाई ये दिक्कत इसकी है कि नहीं है। नॉर्मली कैमरों के अंदर ये इशू नहीं आता। हाँ, कैमरों के अंदर भी एनकोड की सेटिंग होती है, समटाइम ऐसा होता है कि आप उसके जो रेजोल्यूशन है उसको थोड़ा कम करके, बिटरेट कम करके अपनी जो पिक्चर है उसको स्मूथ कर सकते हो, लेकिन उसमें क्लैरिटी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक और वीडियो लेके आऊँगा इस कॉन्सेप्ट के लिए, बट फिलहाल जो मेरा मेन टॉपिक था वो ये था कि आपको कौन कौन से ट्रबल शूट चेक करने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट आपको चेक करने चाहिए अगर आपका कैमरा बंद चालू हो रहा है, अगर आपका कैमरा बफरिंग कर रहा है, रुक रुक के चल रहा है, तो ये सब इसके रिगार्डिंग था। दोस्तों मेरी वीडियो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आते हैं, काफ़ी अच्छे आपके लाइक्स मुझे मिलते हैं, और बहुत खुशी होती है ऐसे लाइक्स और कमेंट को देख के। वही एक रीज़न है जो कि मैं इतना रेगुलर रह पा रहा हूँ यूट्यूब में, कि मैं एवरी वीक 3 वीडियोस अपलोड करने लग गया हूँ, चाहे वो ट्यूसडे, चाहे थर्सडे, चाहे सैटरडे, तो 3 वीडियो मेरी आती हैं, समटाइम 4 वीडियो भी आ जाती हैं। तो ये सब आपकी वजह से ही है, आपके लाइक्स और आपके कमेंट की वजह से ही है। सो गाइस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आती, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप डिसलाइक करके कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आप क्या चीज़ समझ में नहीं आई है गाइस। बट आपसे एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट करें, ऐसा नहीं कि आपने आधी अधूरी वीडियो देखी और आपने मुझे कमेंट कर दिया। कई बार होता ये भी है कि मेरी एक वीडियो पे अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सबको हैंडल करना मेरे लिए ईजी नहीं होता। तो आपसे जो मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे ये आईपी कैमरे के रिलेटेड वीडियो है, अगर आप मुझसे आईपी कैमरे के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे लिए काफ़ी इजी रहेगा उसका आंसर देना, और बाकी तो चल ही रहा है जैसे आप काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी फील आती है जब कोई मुझे बोलता है, मेरे सब्सक्राइबर मुझे बताते हैं कि मेरी वजह से उन्होंने काम स्टार्ट किया, समथिंग लाइक दैट, तो एक रिस्पेक्ट है जो कि वो मुझे देते हैं। ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं होता किसी की वजह से कोई काम स्टार्ट करे, कोई भी काम करता है तो वो अपनी जो उसे कैपेबिलिटी है, जो उसके अंदर हुनर है, वो उससे ही काम स्टार्ट करता है। हाँ, वो सीख रहा है मेरे से सीख रहा है या किसी और से सीख रहा है, वो सीखने की लर्निंग पावर उसकी खुद की होती है। तो ऐसे ही काम सीखते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आने वाला टाइम आईपी कैमरे का ही है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको आईपी कैमरे की सेटिंग अभी नहीं चली पता तो आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारा कॉम्पिटिशन नॉर्मल कैमरे को लेके आ चुका है, कुछ टाइम बाद आईपी कैमरे को लेके भी बहुत सारा कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन अगर आप उसके प्रो लेवल तक पहुंच चुके हैं, आईपी कैमरे की सारी सेटिंग आप सीख चुके हैं, तो आपका कॉम्पिटिशन गिने चुने लोगों से ही रहेगा, क्योंकि आईपी कैमरे की सेटिंग सबको नहीं आती। काफ़ी सारे जो बंदे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, जो कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर देते हैं,
वो सब इस लाइन से आउट हो जाएंगे अगर वो अपनी लाइन नहीं चेंज करेंगे, नहीं सीखेंगे आईपी कैमरे को। तो ये आपका बेनिफिट है कि आने वाले टाइम पे आपका कंपटीशन लो होने वाला है। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप काम में फोकस करो, काम में लर्निंग पावर अपनी बढ़ाओ। लर्निंग करोगे तो ऑटोमेटिकली अर्निंग होगी, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आपको करना पड़ेगा। सो अगर आपको दोबारा बोलूंगा वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल पे सीपी प्लस, सिक्विजन, दउआ, टीवीटी काफ़ी सारी वीडियो अवेलेबल हैं। कैसे वीडियो को सर्च करते हैं मैं अपनी वीडियो बता चुका हूँ लास्ट, कि आपको मेरे चैनल पे कोई भी चीज़ सर्च करनी हो तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको सर्च करना है कैसे सर्च करते हैं वो मैंने पूरा बता रखा है। सो थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में इतना एंड तक टिके, इतनी लंबी वीडियो देखने के बाद आप मेरे यहाँ तक पहुँचे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। भगवान आपका दिन शुभ करे। Thank you so much.